बंगाली बोलने वाले ये मुस्लिम अगर समाज में रहना चाहते हैं तो उन्हें ये कुरीतियां छोड़नी होंगी, तभी वे असम के मूल निवासी कहलाएंगे। चौंकिए मत, ये कहना हमारा नहीं है, ये बयान है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा का। अपने बेबाक बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने मुस्लिमों को लेकर एक बार फिर से अपना बयान दिया है और ये बयान उन्होंने बंगाली भाषा मुस्लिमों को लेकर दिया है। उन्होंने कहा कि असम में सामाजिक कुरीतियों के लिए बांग्ला भाषी मुस्लिम समुदाय के लोग जिम्मेदार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस समुदाय में ज्यादातर लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं। बता दें कि असम में बंगाली बोलने वाले मुस्लिमों को मियां कहा जाता है। सीएम हिमंता बिस्व शर्मा ने कहा, मियां यहाँ के मूल निवासी हैं या नहीं ये अलग मुद्दा है, हम ये कह रहे हैं कि अगर बंगाली बोलने वाले मुस्लिम मूल निवासी बनना चाहते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन उन्हें कुरीतियों को छोड़कर महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करना होगा, तभी वे मूल निवासी कहलाए जाएंगे। इसीलिए इन लोगों को बाल विवाह और बहुविवाह को छोड़ना होगा। उन्होंने आगे कहा, असम में लड़कियों की तुलना देवी से की जाती है और हमारी संस्कृति में उनकी 2-3 बार शादी नहीं होती है, 2-3 पत्नियां रखना भी असमिया संस्कृति नहीं है। इसीलिए अगर बांग्ला भाषी मुस्लिम यहाँ के मूल निवासी बनना चाहते हैं तो 2-3 पत्नियां यहाँ नहीं रख सकते। अगर मियाँ लोग असम के रीति रिवाजों का पालन करेंगे तभी उन्हें मूल निवासी माना जाएगा। हालांकि देखा जाए तो असम के सीएम का ये कहना कुछ गलत नहीं है, वहीं उन्होंने इस बात की पुष्टि आंकड़ों के साथ की है। साल 2023 में असम में बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया गया था। आंकड़ों के अनुसार फरवरी में पहले चरण में 3,483 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 4,515 मामले दर्ज किए गए थे। इसके बाद अक्टूबर में दूसरे चरण में 915 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 710 मामले दर्ज किए गए। सीएम हिमंता का यह बयान अब तेजी से वायरल हो रहा है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले सीएम हिमंता के इस बयान के एक तौर पर देखा जाए तो कई मायने निकाले जा सकते हैं। फिलहाल अब उनके इस बयान पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। VK News, राष्ट्र के नाम।